नेटफ्लिक्स पर एक न्यू मूवी आई है जिसका नाम है कास्ट ऑफ 83, विच इज इंस्पायर्ड बाय अ नॉवल रिटन बाय द क्राइम जर्नलिस्ट एस हुसैन ज़ैदी। तो ये मूवी है उस कॉप के बारे में जो मुंबई से सारे गैंग्स खत्म करना चाहता है। वो अपने देश के लिए बहुत लॉयल और बहुत ऑनेस्ट होता है, पर इसी ऑनेस्टी और लॉयल्टी की वजह से कुछ करप्ट लोग उसे पनिश करने के लिए डीन बना देते हैं फॉर द पुलिस ट्रेनिंग। जब वो वहां होता है वो तब भी मुंबई से सारे गैंग्स खत्म करने का सपना नहीं छोड़ता, तो वहां से 5 ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है जो उसे लगता है और पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो लोग इस सिस्टम को अंदर से खत्म कर पाएंगे। जब वो 5 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता है वो उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाता है। जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके फील्ड पर जाते हैं तो वो सिस्टम को अंदर से खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। स्टोरी एंड प्लॉट मूवी का बहुत अच्छा है। बॉबी लियोन से लेकर सारे न्यू कमर्स ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, पर जितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बॉबी लियोन का दिखाया गया है उतना ही डल कैरेक्टर बाकी कॉप्स का दिखाया गया है। ना उनकी कोई बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई गई है और ना उनका एक दूसरे से बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। हालांकि वो एक ही अकेडमी से है और उनकी फ्रेंडशिप दिखाई है, पर उनके बैकग्राउंड और उनके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है। ये मूवी एक एक्शन मूवी दिखाई गई है, पर इस मूवी में एक्शन के नाम पर सिर्फ एनकाउंटर्स है। होर भी लेटेस्ट अपडेट्स लई तुसी देखते रहो रुतबा पंजाब का।